कुल्लू पुलिस को नशे के कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर में एक मकान में छापेमारी के दौरान चरस के साथ साथ लाखों की नकदी और ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो व्यक्ति के निजी फाइनेंसर की तरफ इशारा करते हैं। वहीं इसके साथ घर में मौजूद अन्य 8 लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कुल्लू में इन दिनों नशे के व्यापारियों पर नकेल कसी जा रही है। इसी के तहत एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री के नेतृत्व में कुल्लू के थाना प्रभारी अशोक कुमार की टीम ने वेदराम के घर में छापेमारी की और चरस व नकदी बरामद की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस दौरान 280 ग्राम चरस, जिसमें 270 ग्राम अलग लॉकर में रखी थी और 10 ग्राम चरस छोटे छोटे टुकड़ों में उसके कमरे में रखी हुई थी, जिस कमरे से व्यक्ति चरस पीने वालों के लिए उपलब्ध करवाता था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 8,24,125 रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसपी कुल्लू ने कहा कि इसके अलावा 5 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जिससे चरस को तोला जाता था, 45 रोलिंग पेपर, 26 फिल्टर उच्च गुणवत्ता वाले 3 छोटे हुक्के बरामद किए हैं, जबकि 4 लाख के ऐसे आभूषण बरामद किए हैं जो कथित आरोपी के ना होकर लोगों के हैं और इन आभूषणों को अलग अलग रखा गया था, जिसमें उन लोगों के नामों के चिट भी पाए गए हैं जिनसे ये आभूषण लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 वाहन ऐसे भी बरामद किए गए जिनके दस्तावेज आरोपी ने अपने पास रखे हैं और वाहन किसी और के नाम के हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने चरस और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है, उसके अलग अलग बैंकों के सेविंग खाते में 16 लाख रुपए, 12 लाख की FD और 4 लाख की LIC के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई लोगों के साथ किए गए वित्तीय समझौते से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे चेक भी बरामद किए गए जो लोगों से लिए गए हैं और खाली चेकों पर उनके हस्ताक्षर किए हैं। एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान मकान के एक कमरे में 8 लोगों को भी पकड़ा जो यहाँ चरस खरीदने आए थे और उनसे पूछताछ चल रही है। जिसमें मैं खुद भी शामिल रही और इस रेड में जो व्यक्ति है उसके घर की पूरी सर्च की गई। सर्च के दौरान व्यक्ति के घर से 270 ग्राम चरस और कैश, 8,24,125 रुपये करेंसी नोट्स और 10 के कॉइन्स इस डिनोमिनेशन में पुलिस द्वारा जब्त किए गए। साथ ही बहुत सारी ज्वेलरी जो कि क्वेश्चनेबल है और उसका कोई जस्ट आंसर जो है वो व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया किस तरह ये ज्वेलरी उनके घर पे है। करीब 4 लाख उसकी वैल्यू है वो पुलिस द्वारा सीज की गई। एक कमरा जहाँ से पूरा ड्रग रैकेट रन करता था उसकी भी पुलिस द्वारा सर्च की गई। वहाँ पे 10 ग्राम चरस बिल्कुल रेडी जो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीज में अवेलेबल थी। साथ ही करीब 46 फिलर्स और पेपर्स जिसपे रोलिंग पेपर्स जिसमें सिगरेट बनाने के जो काम आते हैं और साथ में करीब 26 जो है वो फिल्टर जो कि सिगरेट को स्मोक करने के यूज़ में आते हैं, 3 छोटे जो हुक्का हैं और हुक्का में यूज़ होने वाले कोयला और अन्य चिलम जिसको कहेंगे उस तरह के पदार्थ, साथ ही में म्यूज़िक सिस्टम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे साफ तौर पे इस ड्रग रैकेट का जो एरिया है और जो कमरा है जिसमें ये पूरा ऑपरेशन रन करता था उसके बारे में हमें जानकारी मिली। और इसके साथ ही पुलिस द्वारा जो सर्च के दौरान वेइंग मशीन्स, 5 छोटी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स जो चरस या अन्य जो भी कॉन्ट्राबैंड है उसको सेल करने के काम आता हो, ये सब पुलिस द्वारा वहाँ पर मौके पर सीज किया गया। घर की जो पूरी तलाशी हुई उसमें बहुत सारे कागजात जिसमें FDs करीब 12 लाख की और सेविंग अकाउंट्स डिफरेंट जिसमें करीब 16 लाख रुपए, LIC की करीब 4 लाख की पॉलिसीज, 3 गाड़ियां और उन गाड़ियों के पेपर्स, साथ में लैंड रिलेटेड बहुत सारे कागज़ और बहुत सारे एग्रीमेंट्स जिनका जो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो एक्यूज जो है वो पुलिस को नहीं दे पाया वो वहाँ से लिए गए हैं। साथ ही बहुत सारे ब्लैंक चेक्स उस एरिया से मिले जिनके बारे में पुलिस अभी पुलिस टीम जिसमें छानबीन करेगी कि इन सभी चीज़ों का क्या औचित्य था उस घर में।
इसके साथ ही 3 ऐसी गाड़ियों के हमें वहाँ पे RCs मिले जो कि एक्यूज के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, और अन्य इस तरह की सामग्री मिली जिसको पुलिस जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएगी, और जिस भी एजेंसी से संबंधित इसमें हमें मदद चाहिए या फ्रीज करने का जो प्रोसेस है प्रॉपर्टी, उसको पुलिस जो है कार्य इसमें अमल में लाएगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।